हमारे साथ मौजूद ब्रह्म कुमारी सुश्रुत तृप्ति। तो आइए जानते हैं कर्म से जुड़े उनकी और ऐसी कौन सी जिज्ञासाएं हैं जो आप सभी की हैं और वो करेंगी यहाँ पर शांत। कर्म की अगर हम बात करते हैं सुश्रुत तृप्ति, तो कर्म को लेकर के आपने हालांकि विद एग्जाम्पल आपने स्टोरी के बेस में काफी कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया और जो स्वाभाविक है सबके मन में जो उत्कंठाएं थी वो कम हो गई होंगी। बट इवन देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि जब कर्म की हम बात करते हैं तो ये सच है कि व्यक्ति अंदर से बहुत टूट जाता है जब वो मेहनत करता जा रहा है और जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, क्योंकि फाइनली वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है कि एक पेशेंस की लिमिट होती है, अब इंतजार किया कभी तो कुछ अच्छा होगा, बट नहीं मिलता। ऐसे हालात में आपकी तरह काम होके कूल होके कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है? गीता में भगवान ने कहा है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। क्राइस्ट ने कहा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, ही नहीं पर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम कर्म के बारे में बात करते हैं, हम सभी कोई ना कोई कर्म करते हैं, और जैसा कि निधि आपने कहा जी, कभी कभी हम कर्म करते हैं पर जिस प्रकार का हम फल चाहते हैं उस प्रकार का फल हमें मिलता नहीं है। तो जरूरी है हम यह जान लें कि कर्म क्या है। कर्म की गुह्य गति कहते हैं, कर्म की गति अति न्यारी है, अति गुह्य है। तो वह कौन सी गति गुह्य है कर्म की? हमने जैसे देखा कर्म की डेफिनेशन में सिर्फ वर्ड्स और एक्शंस नहीं होते पर थॉट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कर्म माना थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अब इस थॉट्स के बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। हम जो विचार, संकल्प या थॉट्स हमारे मन में क्रिएट करते हैं, ये थॉट्स या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं ब्रॉडली। वैसे तो थॉट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और वेस्ट, ये चार प्रकार के होते हैं, पर ब्रॉड कैटेगरी में थॉट्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं? वो थॉट्स जो मेरे बॉडी में एनर्जी जेनरेट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, उन थॉट्स को कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। और वो थॉट्स जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी ड्रेन करते हैं, उन थॉट्स को कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। सो लवफुल थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, थॉट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी, प्रेम, आनंद, संतुष्टता, इन सब से भरे हुए विचार इन्हें पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं। और जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही वर्ड्स होंगे, बोल होंगे, और वैसे ही एक्शन होंगे, वैसे ही हमारा कर्म होगा। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भारी होते हैं, माना दुख के थॉट्स, चिंता, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, ये सारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स हैं। एंड ऑब्वियसली निधि, नेगेटिव थॉट्स से वर्ड्स कैसे होंगे? वो भी नेगेटिव होंगे। बिल्कुल। और एक्शंस कैसे होंगे? डेफिनेटली नेगेटिव। जी। तो इस प्रकार ये एक साइकिल होती है, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। जिस प्रकार के थॉट्स होंगे उस प्रकार के वर्ड्स होंगे और उसी प्रकार के एक्शंस होंगे। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कथनी और करनी में ज़रा फर्क कर देते हैं। सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और जब ऐसा करते हैं तो ये जो साइकिल, जो भी हमने लॉ ऑफ नेचर देखा, उस लॉ ऑफ नेचर को हम डिस्टर्ब कर देते हैं।
क्योंकि वो लॉ यह सारे तीनों पदार्थ हार्मोनी में नहीं होते, इसलिए उनका रिजल्ट भी हार्मोनीबद्ध नहीं होता। तो जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, अगर उसी प्रकार से हम फल पाना चाहते हैं, तो जरूरी है इस लॉ ऑफ नेचर को याद रखें। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस हमेशा सिंक्रोनाइज्ड हो, हार्मोनी में हो। या फिर कभी कभी हम वर्ड्स एंड एक्शंस एक तरह के कर देते हैं और थॉट्स किसी और प्रकार का रखते हैं, तो हमें मन वांछित फल नहीं मिल सकता, क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ नेचर। हम देखते हैं ना, सनराइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। सनसेट्स इन द वेस्ट, ये भी एक लॉ ऑफ नेचर है। हम अगर कोशिश करें कि सन को राइज कराना है वेस्ट से, तो क्या होगा? कितनी भी कोशिश करें जी, मन वांछित फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से देर आर सम यूनिवर्सल लॉज, जैसे कि लॉ ऑफ कर्म। टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पर जरूरत है इस एक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से जानने की, इस कर्म की परिभाषा को अच्छी तरह से जानने की, और ये कर्म किस प्रकार से काम करता है। बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, यह हारमोनी कैसे होती है, सिंक्रनाइजेशन कैसे होता है, जब इस बारे में हमें गहरा नॉलेज मिलता है और जब हम उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, तब हम यह देखने लगते हैं कि जिस प्रकार हमारे थॉट्स हैं उसी प्रकार का हमें फल भी मिलने लगता है। तो ज़रूरत है हमें इम्प्लीमेंट करके देखने की कि हाउ डज दिस लॉ ऑफ नेचर वर्क फॉर मी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सभी इस लॉ ऑफ नेचर को, कौन सा लॉ ऑफ कर्म को जी, कि अच्छा कर्म माना अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे कार्य, जब हम करेंगे तो हम ज़रूर देखेंगे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वह भी अच्छा होगा। इट्स लाइक अ मिरर इमेज, मिरर पर हम जो थ्रो करते हैं वह हमारे पास लौट कर आना ही है। हाँ, उस वहाँ टाइम डिले ज़रूर हो सकता है, तो जो हमने उसे थ्रो किया है आज नहीं तो कल वह हमारे पास लौट कर आना ही है। और आज भी जो हमारे पास लौट कर आ रहा है वह मेरा ही कभी न कभी फेंका हुआ बॉल है जो रिटर्न होके मेरे पास आज आ रहा है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दैट इज कमिंग टू मी टुडे, गुड और बैड। अच्छा भी है तो मेरे ही द्वारा किया गया कार्य मेरे पास लौट के आ रहा है, और बुरा भी है तो मेरे ही द्वारा किया हुआ कार्य मेरे पास लौट के आ रहा है। तो आज जो मेरे आसपास हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इट्स मी। जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, मेरे ही द्वारा, बस ज़रूरत है अवेयरनेस की, नॉलेज की, कि कर्म क्या है। और जैसे जैसे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि कर्म क्या है, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है मेरे लिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा कार्य नहीं करना है जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। इस प्रकार से जब हमारी बुद्धि में क्लैरिटी आती है कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, उस प्रकार उस बुद्धि को हम जब कर्म में लाते हैं और उस प्रकार से हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। ज़रूरत है अवेयरनेस की। तो आज से निधि हम क्या करेंगे, हम खुद इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि बोल और वर्ड्स में जो हम सामने प्रेजेंट करते हैं उसके पीछे जो गवर्निंग थॉट्स हैं, These thoughts should be very positive, filled with love, filled with honesty, filled with peace. और तब हम देखेंगे अगर हम किसी को प्रेम भेज रहे हैं आज नहीं तो कल वह प्रेम टकराकर लौट कर आना ही है जी। अगर हम किसी को अपने thoughts, words and actions में शांति भेज रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो शांति लौट कर मेरे पास आनी ही है।